बिहार ऐसा राज्य है जिसका नाम सुनकर ही आपके मन में पलायन, अराजकता, अपराध, लालू नीतीश की तस्वीर आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, इसी बिहार को 1952 तक देश का सबसे सुशासित राज्य माना जाता था। तब बिहार का नाम लेने से लोगों के मन में सम्राट अशोक, मगध, नालंदा विश्वविद्यालय जैसी प्रख्यात चीजें मन में उभरती थी। मगर समकालीन परिवेश में देखें तो बिहार कई चुनौतियों को झेल रहा है। इनमें से कई समस्याएं तो निरंतर या कहें अस्थिर समस्याएं हैं। ताज़ा हालात की बात करें तो नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को बिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दे दिया है। जल संसाधन विभाग ने 8 जुलाई से 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश की सूचना दी है। अतिवृष्टि की संभावना से लगभग 14 जिलों में बाढ़ की संभावना बन सकती है। उधर नेपाल ने लाल बकिया नदी के तटबंध के एक हिस्से को हटाने की धमकी देते हुए कहा कि तटबंध को हटाएं, अन्यथा हम इसे तोड़ देंगे, जिससे कि आसपास के इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले साल की बात करें तो बिहार बाढ़ में 130 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान नॉर्थ बिहार के 13 जिले प्रभावित हुए थे। 1987 में बिहार में बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था। उस वक्त बिहार के 30 जिलों के 24,518 गांव प्रभावित हुए थे। 1,399 लोगों की जाने गई थी। 5,000 से ज्यादा पशुओं की मृत्यु और 678 करोड़ रुपए की फसल नष्ट हो गई थी। साल 2016 में बिहार के 12 जिलों ने बाढ़ की चपेट को सहा। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 23 लाख से ज्यादा थी। आपदा प्रबंधन विभाग के एक बयान के मुताबिक बाढ़ की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साल 2017 में 19 जिले प्रभावित थे और 1.71 करोड़ लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे थे। 514 मौतें हुई थी। 8.5 लाख लोगों का आशियाना छीन लिया था। अकेले अररिया में 2.2 लाख लोगों का घर तबाह हो गया था। इस बाढ़ ने पिछले 9 सालों में बाढ़ से हुई मौत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2018 में भी बिहार के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। कुल 1.71 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। 8.5 लाख लोग बेघर हुए थे। लगभग 8 लाख एकड़ फसल का नुकसान हुआ था। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार को विगत कई वर्षों में हुए नुकसान की बात करें तो समय कम पड़ जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाकर देखें तो मालूम पड़ेगा कि कोसी क्षेत्र में बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम से एक योजना चालू है। ये 2015 में शुरू हुई थी। 376 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2023 रखा गया है। पिछले वर्ष के बाढ़ के दौरान जब कोसी का पानी तटबंधों को तोड़ने लगा था, तटबंध पानी के संपर्क में आ चुके थे, तब जाकर इस योजना के अंतर्गत मरम्मत का काम शुरू हुआ था। इसका क्या औचित्य था ये बिहार सरकार ही जाने। 2008 में बिहार में हुई कोसा त्रासदी में 30 लाख से अधिक की आबादी का घर बार छिन गया था। 526 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोसी नव निर्माण मंच के महेंद्र यादव ने 2019 में दिए एक बयान में कहा था, आज तक 2008 के हजारों बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। बता दें कि इस महाप्रलय में जान गंवाने वाले 526 मृतक के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की राशि मिलनी थी। आंकड़े ऐसे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर सरकार हर साल ये बाढ़ देखती है। सरकार के लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके घरों से निकाला जाता है, लेकिन आम जनता अपने निवास स्थान पर ही लाशों को जलाने के लिए मजबूर रहती है। क्या सरकार ने ये बात मान ली है कि बिहार की यही नियति है, या सरकारें क्या अभी इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बदलकर बाढ़ को रोकने या कम से कम उसके प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई कदम लेगी। चकाचक एक्सप्रेस से शिवेंद्र की रिपोर्ट।